किया होगा, जो जो बात मुझे बोला। और मेरा मैक्स फ्रेंड से बहस एल्विश के उस पर नहीं हुआ था कि क्या, मेरा अलग पॉइंट था। उसने कुछ ट्वीट्स लाइक किए थे, एंटी बजरंग दल ट्वीट्स, नीतीश राजपूत के, और भी तीन चार चीजें थी, तब मैंने किया। और वो बेचारा भाई क्लियर भी किया कि भाई मुझे नहीं आइडिया था, मतलब अब सब कुछ मैंने बताया उसको हर चीज कि भाई बजरंग दल क्या है, क्या करती है, कितने लोग जान गंवाए हैं बजरंग दल के मेंबर्स हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। तब उसे समझ में आई, वो समझा उस चीज को। कोई परफेक्ट नहीं होता है ना भाई शुरू से, हम तो क्लियरली बोल रहे हैं। 5-7 साल पहले हम भी सेकुलर थे, मैं भी सेकुलर था भाई। मैं अपने मेरा मेरा भाई आरएसएस में स्वयं सेवक है, मैं उससे भिड़ गया था, नहीं ये देश तो मुसलमानों का भी उतना ही है, ये वो देश का, मैं भी लड़ गया था भाई। तो कोई शुरू से नहीं रहता है स्टॉन्च हिंदू, तो वो समझा उस चीज को। और यहाँ पे मैं फिर से बोलता हूँ, मैं कोई न्यूज, अब फिर बोलेंगे कि न्यूज बॉय वाला पैसा क्रेडिट कर दिया है मेरे अकाउंट पे, ये भी बोलेंगे भाई। ये एक्चुअली शातिर नहीं है, शारा नहीं है, इसको लोग जो बोलते हैं ये समझ जाता है। दूसरा और शातिर, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वही बात है। देखो न्यूज बॉय भाई, तुम एक, और तुम तो उस दिन परसों बोले, मेरी मेरी जो तुमसे बहस हुई थी, तो तुम बोले तब रवीश कुमार के नाम लिया, और भी है भाई, तुम वही चीज नहीं समझ पाए थे। आप अगर स्पेस में जितने भी लोग हैं स्पेस में होंगे, सम्राट भाई से भी मेरी इसी बात पे बात हुई थी, बहस हुई थी कि सम्राट भाई सारे न्यूज एंकर दोगले हैं, चाहे वो अर्णब गोस्वामी हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी किसी की पार्टी का दलाल नहीं बनना चाहिए। जर्नलिस्ट दलालों के लिए नहीं होता है। अगर जर्नलिस्ट ही दलाली करने लगेंगे कि मैं बीजेपी का दलाल हूँ तो मैं कांग्रेस का दलाल हूँ, तो फिर कुछ सही नहीं चलेगा। तो तुमको अगर लगता है कि मैं सुधीर चौधरी का साइड लेता हूँ, अर्णब गोस्वामी का साइड लेता हूँ, या राइट विंग वाले का साइड लेता हूँ, राइट विंग जर्नलिस्ट, और रवीश कुमार मेरे लिए सिर्फ दोगला है, ऐसा नहीं है। मेरे लिए सब दोगले हैं, सब भाई। अमीश देवगन भी दोगला है, वो तो बीजेपी का कुत्ता की तरह बिहेव करता है। भाई मैंने 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 रिसेंटली ना एक पॉडकास्ट में बोला था रैंडम भाई, कि जो बोलते हैं ना कि मीडिया बिका हुआ है, नो डाउट, ठीक है, बीजेपी के प्रति बिका हुआ है, नो डाउट, ठीक है, मैं नाम डायरेक्टली लेता हूँ, बीजेपी के प्रति बिका हुआ है, ठीक है, ठीक है, वो बिके हुए हैं। और जो लोग बोलते हैं कि ये तो बिके हैं, वो भी बिके हुए हैं, सब बिका हुआ है भाई, कोई बोलने का दबाव किसी को नहीं है, सब बिके हुए। एक ये कोई भी का कोई को भी जर्नलिस्ट हो, अगर वो, अगर मान लो लेफ्टिस्ट है, अगर नहीं रहेगा भाई, तो हमको ना बिकने के लिए भाई, रैंडम भाई पैसे नहीं दिया भाई इस बार के बिग बॉस में, जो भी है। देखो न्यूज बॉय भाई, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मजाक मस्ती से हटके सीरियसनेस में बताता हूँ तुम्हें भाई। देखो भाई, साफ साफ इंक्लिनेशन तुम्हारा और न्यून मैन का दिखा पूरे सीजन में भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और तुम इस चीज को नहीं मानोगे तो फिर भाई तुम गलत हो, सीधी बात है। इंक्लिनेशन दिखा, मुझे नहीं लगता है भाई तुम पैसे लिए हो, मुझे सीरियसली नहीं लगता, लेकिन पूरा इंक्लिनेशन तुम दोनों का उसके प्रति था, ये मैं बोलता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है भाई। अब तुम, और मुझे इसीलिए ये गलत लगा, और इंक्लिनेशन होना गलत बात नहीं है मेरे भाई, लेकिन अगर आप YouTube इंडस्ट्री में आप दो चैनल हैं जो न्यूज कवर करते हैं, तो आपका इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से न्यूज दिखा रहे हैं यूट्यूबर्स का, तो आपका इंक्लिनेशन गलत है, ये चीज भाई। जब भाई एक बार बताता हूँ, बिग बॉस जब चला था, हमने वही दिखाया है जो वहां पे बोला गया है, सेम एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किया गया है भाई, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया ही नहीं गया, किया ही नहीं। हो सकता है भाई, एक ग्रुप अगर आपको लगता, एक ग्रुप अगर आप बोल रहा है कि नहीं आप इंक्लाइंड हो, तो शायद वो पूरे ग्रुप्स गलत हो, ये भी हो सकता है भाई। अब वही चीज है भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो ऑनेस्टली बता रहा हूं, बिग बॉस के टाइम पे ना हमने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए हैं, मतलब जो उन्होंने बोला है बिग बॉस के घर में वही हमने बोला है भाई। बाकी काफी चीजें हुई थी जो तुमने ना सिर्फ ना फुकरा के लिए बोली थी, जो एल्विश के लिए नहीं बोली थी, इसलिए हुआ था। और बाकी हमने ना रैंडम भाई वाला इतना बोला है कि आप अपने वीडियो में आकर इतना बोल दो कि वो वीडियो AI जनरेट थी, आपने अभी तक वो नहीं क्लियर किया। एक सेकेंड सुनो मेरी बात, दोनों यहाँ पे बहुत सारे मेरे सो कॉल्ड अपने लोग भी थे जो मजाक उड़ाए बहुत सारी चीजें बोल के यूट्यूबर्स, मैंने रिएक्ट नहीं किया,
भाई मैं यहाँ पे होशो हवास में बोल रहा हूँ, मजाक मस्ती नहीं, मेरी ही ऑडियो चला के मुझे ही एक्सपोज करते हैं। भाई वो एआई जनरेटेड थी या नहीं थी, तुम्हारे बाप का क्या जाता है बे, तुम हो कौन? जो जितना मैंने कर दिया ना, कोई पेड़ पीआर वाला ना कर पाता। नहीं बोलना चाहता हूं मैं, मैंने जो लास्ट टाइम ये वीडियो बनाई थी 8 मिलियन व्यूज गए थे उस पे। पूरी राइट विंग इधर आ गई थी, पूरी की पूरी राइट विंग। नहीं बोलना चाहता हूं मैं भाई, एआई जनरेटेड थी नहीं थी, ये थी वो थी। अरे बोला तो भाई शोशो आवाज में बोल रहा हूं, जितनी पेड़ पीआर करवाते ना भाई, पैसे पैसे फेंके गए थे। मैं बहुत चीजें, मेरा मुंह मत खुलवाओ, अभिषेक मल्हान की तरफ से पैसे फेंके गए थे और कितने फेंके गए थे मुझे सब पता है, क्योंकि मैं कोर टीम में था भाई। जितना पेड़ भाई, इनके पेड़ पीआर वाले, जब मैं टेलीग्राम चैनल पे जो चीज डालता था उसके 15 मिनट 1 घंटे बाद वही चीज डालते थे। जाके अगर तुम स्टॉन्च फॉलोअर हो तो जाके दोनों चैनल चेक कर लो, एलविश यादव का टेलीग्राम चैनल और अभिषेक मल्हान का ब्रॉडकास्ट चैनल। जो पेड पीआर 25-50 लाख रुपया लेके कर पाते उसका दोगुना मैंने किया है फ्री में। और मैंने अगले ही दिन एलविश यादव, मैं 10 बार क्या एक ही चीज बोलू, जो बंदा पैसे देगा वो क्लियरली आके बोलेगा, उनकी फैमिली क्लियरली आके तारीफ करेगी, ऐसा होता है क्या? यहाँ पे तो सब पैसा खा के बैठते हैं। तो वही चीज है भाई, एआई वॉइस है नहीं है, कौन होते हो भाई तुम, कौन होते हो ये चर्चा करने वाले? रियल वॉइस था क्या उखाड़ोगे, उखाड़ पाओगे कुछ? कौन बोल रहा था कि, अबे रियल वॉइस था भी तो भी बेंचो, फिर से वही बोल रहा हूँ, जितना सामने वाले की पीआर टीम की ना उसका चौगुना मैंने किया। जब मैंने, मैं वही चीज नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं समझाना चाहता हूँ भाई, जिस दिन से संभाला ना टेलीग्राम चैनल, एक भी बिग बॉस मीटर टास्क हारने नहीं दिया, और उससे पहले हार गया था एलविश किसी भी रीजन से, क्योंकि मैनेजमेंट सही नहीं था। सब जान, यहाँ एलविश फैन पेजेस बोलो बोलो, है हिम्मत तो सही सही बोलो। उस टाइम वो लिंक डालने का बोला था, एक एक दो दो घंटे हो जाते थे, वो लिंक नहीं पड़ रही थी, वो ट्वीट नहीं पड़ रही थी, क्या लिखे हम भेजते थे वो नहीं आ रहा था, हर एक चीज। अब वो एलविश की टीम तुम्हें नहीं बताई है तो उनकी गलती है, चल गया भाई हर एक चीज, चाहे वो पोस्टर बनवाना हो, चाहे वो गाड़ी पे पोस्टर चिपकवाना हो, चाहे वो मास मीटअप करवाना हो, मास मीटअप पे क्रिएटर से क्या बोलवाना हो, सब कुछ मेरा अरेंजमेंट था। अब वो एलविश की टीम तुम्हारे सामने आके नहीं बोलती है, क्रेडिट नहीं देती है, तो उनकी गलती है। शर्म नहीं आती है मुझ पे अलांछन लगाते हुए? अबे माल ने कमाया भी तब भी सामने वाले के पीआर से चौगुना काम किया करके दिया, हार चुके थे, हारे थे पहला वाला बिग बॉस मीटर टास्क, मैंने कमान संभाला टेलीग्राम चैनल पे, एक भी हारने नहीं दिया उसके बाद। अभी अभी बोलो मैं अभी डाल देता हूँ एलविश, वो इतनी खुददारी बची हुई है, इतने इतना सम्मान किया मेरा कि टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी भी एडमिन हूँ, अभी डालता हूँ पोल, अभी देखना 90% से ज्यादा पोल आएंगे कि जिसने संभाला था टेलीग्राम चैनल वो बहुत अच्छा काम किया था या कैसा काम किया था। अबे 3 साल में जब बीजेपी मुझे नहीं खरीद पाई, मैं काम करूंगा? 4 दिन पहले जब ये मैनेजमेंट की बात हुई थी तो मुझे कोई एक बंदा यहीं पे, शायद एलविश आर्मी वाला ही या कोई भाई, बोला कि एलविश को बोलो कि मैनेजमेंट अब रैंडम सेना को दे दे। नहीं भाई, मैंने क्या बोला उस टाइम, नहीं भाई मुझे नहीं काम करना किसी के लिए, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा और पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। भाईचारे में मैंने सब कुछ संभाला था, क्योंकि मुझे, मेरे दिल पे एक बात लग गई थी कि कटारिया ने बोला था कि एलविश बोला है कि रैंडम भाई सब संभाल लेगा, संभाल दिया। क्या ये AI वॉइस है नहीं है AI बहन जो 10-10 लाख में तुम्हारे क्रिएटर्स पेड प्रमोशन करते हैं बेटिंग एप्स का, वो सही है? अरे मान लो भाई था रियल, होते कौन हो भाई तुम बोलने वाले? कौन यूट्यूबर कॉल आउट कर रहा था बताओ तो नाम। अरे नाम नहीं, नाम लेंगे तुमको क्या लगता है, नाम लेंगे फाड़ के रख देंगे, एक एक ही फाड़ के रख देंगे। कौन कौन था सर वो भाई? बीजेपी वाले तो खरीद ही नहीं पाए, बीजेपी वाले खरीद ही नहीं पाए 3 साल में। एक दो ट्वीट तो हम देखे थे, पता नहीं और कौन कौन था, हमको तो ध्यान भी नहीं है। एक दो ट्वीट तो हम देखे थे, कोई पूछ रहा था हमसे टैग करके, हम बोले भाई हमको कुछ आइडिया नहीं इस बारे में। AI वॉइस था, रियल वॉइस थे भाई, तुम लोग ही बताओ, एक भी ट्वीट मैंने किया है? मैं स्पेस में ही भाई, फ्री टाइम में रहता हूँ, स्पेस में आ जाता हूँ, बोल देता हूँ, मेरे मुंह से बोला जाता है भाई, गर्म खून है थोड़ा, बोल देता हूँ, लेकिन एक भी ट्वीट भी नहीं करता हूँ, एक भी ट्वीट नहीं करता हूँ भाई। उस पे तुम करोगे ना भाई, उतना ही तुमको ड्रैग करेगा। आपने अपना स्टैंड बोल दिया, बात खत्म, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है मत माने, भाड़ में जाए।
हम लोग थोड़ी ना सारा दिन जस्टिफाई करते रहेंगे यार। जस्टिफाई भाई बोले तो मेरा तो एटीट्यूड तुम जानते हो, महादेव के अलावा किसी के बाप के सामने नहीं झुके हम। बोल देना कौन होते हो भाई तुम हमसे जस्टिफाई लेने वाले, किसी को बोलना ही कोई नहीं होते हो, कोई नहीं होते हो भाई। जितना मैंने किया है ना, मैं दम पे बोलता हूँ, एल्विस के लिए नहीं, जितना मैंने अपने धर्म के लिए किया है, नहीं बिका हूँ, एक चाहूँ अभी पेड प्रमोशन। भाई इंजीनियर भाई तुम भी हो क्रिएटर, जानते हो क्या रेट चलता है, वन मिलियन वालों का एक स्टोरी डाल दूं, हेलो गाइस हेलो गाइस ये प्रोपो आप डाउनलोड कर लो गाइस, बहुत अच्छा है भाई, ये कर लो वो भैनचोद, 1 लाख क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, 10 स्टोरी डाल दूंगा 10 लाख आ जाएंगे, 10 लाख आ जाएंगे भाई। जो किया है ना छोड़ो, नहीं बोलना चाहता भाई। लोग ऐसे बोल रहे हैं अब, वो टूट पूंजी है भाई, भौंकते रहते हैं, उनका कोई जवाब नहीं है, उनका कुछ वो नहीं है। मैंने उस दिन